नमस्ते छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा की कविता विषय हिंदी, कविता क्रमांक 1 भारत महिमा, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है, ये कविता हम आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में मैं उनका परिचय देना चाहूँगा। उनका जन्म 1890 में हुआ वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उनका मृत्यु 1937 में हुआ वाराणसी में। कवि जो है एक प्रतिभाशाली कवि थे। ये उपन्यासकार, निबंधकार, कथाकार तथा बहुत सारी इनकी जो साहित्य है, सामग्री है, हमें आज उपलब्ध है। इन्होंने झरना, आंसू, लहर, जो कि ये काव्य संग्रह है, उसके बाद कामायनी जो महाकाव्य है, उसके बाद स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ये भी उनके अपने हमें ऐतिहासिक नाटक पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये कविता संग्रह उनके प्रसिद्ध है। उसके बाद कंकाल, तितली और इरावती, ये उपन्यास आपके प्रसिद्ध है। तो कवि ने इस कविता में हमें यह सीख दी है, या फिर ये कहना चाहते हैं कवि, कि जो हमारा भारत देश है, ये बड़ी ही सुंदरता से, यानी कि सुंदरता इसमें फैली हुई है, हिमालय से लेके नदियों तक और खेतों में, खलिहानों में, चारों तरफ, हर तरफ एक सुंदरता बिखरी हुई है। प्रकृति ने सुंदरता बिखरी है। तो कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, तो हमें देश के प्रति थोड़ा विचलित हो जाते हैं हम देश के प्रति, तो उस समय हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कवि ने एक सुंदर कविता लिखी है, जिसका हम टाइटल देख सकते हैं कि भारत महिमा, शीर्षक देख सकते हैं भारत महिमा, भारत का गुणगान, भारत महिमा यानी कि भारत का गुणगान करने वाली ये कविता। तो हम आज इसका सरल भावार्थ देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि जयशंकर प्रसाद जी इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा जो भारत देश है, ये हिमालय के आंगन के जैसा है। तो इस हिमालय के आंगन में जब सूरज की किरणें पड़ती है, तो प्रातःकाल सूर्य की किरणें हिमालय पे पड़ती है और पूरे भारतवर्ष में पड़ती है, तो जो किरण, जो सूरज की किरणें हैं, ये एक उपहार देके जाती है, भेंट दिए जाती है। और जो उषा है, यानी कि सवेरा है, वो सवेरा जो है, ऐसा मानो ऐसा लगता है कि उस सवेरे ने हंसकर अभिनंदन किया हो, स्वागत किया हो। और जो सूरज की ओस पर जो किरणें पड़ती है, जिससे ओस की बूंदें चमक उठती है, तो मानो ऐसा लगता है कि प्रकृति ने इस भारत को एक हीरो का हार पहनाया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, सबसे पहले संस्कृति का जो उगम है वो हमारे देश में हुआ। हम पहले सुसंस्कृत बने, यानी कि हम में जो ज्ञान है पहले हम में आया, भारत में आया, फिर हमने वह ज्ञान सीमित न रखते हुए दूसरों को भी दिया, तो विश्व में वो उस ज्ञान को फैलाया। और इससे चलते जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, आलोक यानी कि प्रकाश, और इसी तरह पूरे हमने विश्व का भी अंधेरा दूर किया, ऐसे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। तो तब व्योमतम पुंज हुआ नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जो अंधेरा है, जो आकाश में फैला हुआ घना अंधेरा है, जो अज्ञान रूपी अंधेरा है, वह भी पूरे देश में से, विश्व में से नष्ट हुआ, अखिल यानी कि संपूर्ण, और तब जाके सृष्टि में प्रकाश फैला। इस पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रित सप्रित। जो सुरों की देवता, जिसे हम सरस्वती जी कहते हैं, उन्होंने अपने कोमल हाथों में वीणा ली और छेड़ दिया मधुर
संगीत, सातों स्वरों को उन्होंने छेड़ दिया और हमारे ही भारत में सामवेद की भी रचना हुई, हमारे भारत में हुई, यानी कि संगीत की भी, संगीत का निर्माण हमारे भारत में हुआ, हम ऐसा कह सकते हैं। और सप्त सप्त स्वर, सात स्वरों को छेड़ दिया, सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। और इसी मधुर संगीत को छेड़ते हुए प्रकृति में एक आनंद, एक उत्साह, एक जल्लोष, एक उठ खड़ा हुआ और प्रकृति और सुंदर दिखने लगी। इस पंक्ति में कहते हैं कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धारा पर धूम। प्राचीन भारत से ही भारत के लोग धर्म को मानते हैं। धर्म यानी कि क्या, तो एक सत्य, हम सत्य को मानते आए हैं। तो जो यहां युद्ध हुए वो सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ी, तो बल्कि सत्य का मार्ग एक अपनाते हुए यहाँ पे जीत भी सत्य को ही हुई और यहाँ इसमें असत्य की हार हुई है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। आप जानते ही हैं कि अशोक सम्राट जो है राजा थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक एक संन्यास स्वीकार किया, वे भिक्षु बने और बौद्ध धर्म का प्रचार घर घर घूम घूम कर उन्होंने किया। यहाँ पे राजा भी भिक्षु बनकर रहते हैं, ऐसा कवि जय शंकर प्रसाद जी इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं। गोरी को दिया दान, जो मोहम्मद गोरी जो है इनको हराया और इनको हमने उनको जीवन दान दिया, उनको वो हार चुके थे लेकिन उनको फिर भी हमने जीवन दान दिया, इसलिए कहते हैं कि गोरी को दिया दान। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, हाँ जी, जो चीन में आज भी जो बौद्ध धर्म है वो हमारे भारत से ही गया है ना, तो चीन को भी हमने धर्म दिया, धर्म की दृष्टि दी, हमने धर्म दिया, हमने उनको धर्म यानी कि क्या, एक विचारधारा है ना। तो मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, पंचशील की सिंहल को भी सृष्टि, और हमने जावा और श्रीलंका जैसे देशों में भी हमने जो पंचशील है, पंचशील के जो सिद्धांत है उनको ही हमने दिया। पंचशील यानी कि अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचार्य जैसे सिद्धांत हमारे भारत देश से ही हमने चाइना जैसे, चीन जैसे देश को, श्रीलंका, जावा जैसे देश को हमने दिए हैं। और जो अशोक सम्राट के जो पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी संगमित्रा, इन्होंने इस देश में जाके, चीन में जाके और श्रीलंका, जावा जैसे देश में जाके धर्म का प्रसार और प्रचार किया। किसी का हमने छीना नहीं, हम भारतीय, हमारी जो संस्कृति है, हमारे संस्कृति में ही लिखा है कि हम किसी का पहले छीनते नहीं, हमने किसी का आज तक छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना ही, हमारे प्रकृति ने ही हमको सब कुछ दिया है, यही नहीं तो हमारे प्रकृति का नियम ही यही है कि जियो और जीने दो, इसलिए हमने किसी को नुकसान, किसी को ठेस नहीं पहुंचाई और हमने किसी का छीना नहीं, हमारी जन्मभूमि थी यही और हम कहीं से आए नहीं, हमारा जन्म ही यही हुआ है, हम यही कहे, हम भारत की संतति है, हम भारत के ही संतान हैं, हम यही के मूल निवासी है और हम यहाँ के, यहाँ जन्म हुआ तो हम यही के हुए हैं, हम कहीं बाहर से आए नहीं। अगली पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चरित थे पूत, अब पूत यानी कि आप देख सकते हैं पवित्र, हमारा जो चरित्र था वह हमेशा ही पवित्र था, भुजा में हमारी शक्ति थी, हमारे बाहुओं में शक्ति थी, हम में सदा नम्रता रही है, हम सदा संपन्न थे, सभी संपन्न यानी कि सभी चीज़ें हमारे पास होना, शांति होना, में मुख्य बात तो शांति होना, अशांति रही तो वो संपन्न नहीं है, तो इसलिए हम संपन्न थे, हृदय में हमारे हमेशा गौरव था,
इसी बात का हमें गर्व था, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न यानी कि गरीब। हमारी संस्कृति यही है कि हम किसी को गरीब या फिर किसी को दुख कष्ट में नहीं देख सकते। इसलिए कहते हैं कि चरित थे पूत भुजा में शक्ति नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। अगली पंक्तियों में प्रसाद जी कहते हैं कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमने संचय किया लेकिन वो संचय भी दान देने के लिए किया है। हमेशा हम दान करते हैं, है ना, हमारे रक्त में ही दान करना है। और हम बचपन से सुनते हैं कि अतिथि देव भव, हमारे घर में अतिथि आते हैं तो हम उनकी खातिरदारी करते हैं, हम उनका खान पान करते हैं, हम उनको खाली हाथ कभी भेजते नहीं है, हम उनको भगवान के समान मानते हैं। इसलिए कहा गया है कि अतिथि थे सदा हमारे देव, अतिथि देव भव। वचन में सत्य रघुकुल रित सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई, हम वचन का पालन करना जानते हैं। हृदय में था तेज और प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, हमारी प्रतिज्ञा हमेशा सच्ची रहती थी, हमारे हृदय में तेज रहता था, हम हमेशा उत्साहित उल्लासित रहते थे। अगली पंक्तियों में कहते हैं कि वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वही है ज्ञान। जी हाँ, आज भी हमारे शरीर में वही उन्हीं महापुरुषों का रक्त है, जैसे शिवाजी है, महाराणा प्रताप है, इन्हीं महावीरों का हमें आज भी वही खून दौड़ता है। इसलिए कहते हैं कि वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वही है ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही है हम दिव्य आर्य संतान। यहाँ पे कहते हैं कि हमें शांति है, हमें शक्ति है, हमें साहस है और हम ही प्राचीन आर्य की संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जिए तो सदा इसी भारत के लिए, मरे तो सदा इसी भारत के लिए, हम अपनी जान भारत के लिए निछावर कर दे, हमें अभिमान है, यही अभिमान रहे, यही हर्ष रहे, हमें खुशी होगी कि हम अगर हमारे भारत देश के लिए हम जान देते हैं तो, हम निछावर कर देते हैं, हमारा सर्वस्व हम निछावर कर देते हैं तो, कर दे निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। और यही हमारा भारत है, यही हमारा भारतवर्ष है और इसी के तहत भारत महिमा इस कविता का सरल अर्थ यही समाप्त होता है।